अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल KNZ। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय सिग्नेचर रेसिपी ऑफ ऑटमेल चॉकलेट चिप कुकीज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर मेकिंग दीज कुकीज वी नीड 3 कप्स ऑफ ऑटमेल दलिया, 1 1/4 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर मैदा, 2 eggs एट रूम टेम्परेचर, 1 cup चॉकलेट चिप्स, 1/2 cup वाइट शुगर, रेगुलर जो हमारे घर में यूज़ होती है वही, 1 cup ब्राउन शुगर, 1 cup सॉफ्ट एंड सॉल्टेड बटर, 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/2 teaspoon सॉल्ट एंड 1/4 teaspoon वनीला एसेंस। इसकी रिटर्न रेसिपी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम एक बॉल में तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर में हमने वाइट एंड ब्राउन शुगर यूज़ नहीं करनी, वो जहाँ यूज़ करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। इस मिक्सचर में हमने यूज़ किया है ऑटमील, ऑल पर्पज़ फ्लावर, सॉल्ट एंड बेकिंग पाउडर। इफ़ यू हैवन्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट। यहाँ ड्राई इन्ग्रीडियंट्स अच्छे से कम्बाइन हो चुके हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक और एम्प्टी बॉल, उसमें हम ऐड करेंगे बटर और हम इसको 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। मेक श्योर आप जो बटर यूज़ कर रहे हैं वो हार्ड नहीं हो, वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर वो सॉफ्ट नहीं होगा तो कुकीज़ भी अच्छे से नहीं बनेंगे। यहाँ हमने बटर को अच्छे से 1 मिनट के लिए बीट कर लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर एंड देन वाइट शुगर, और अब हम इसे अगेन बीट करेंगे जब तक कि बटर और शुगर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ अब हम ऐड करेंगे 2 eggs और साथ ही साथ वनीला एसेंस और अगेन बीट करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इस ड्राई मिक्सचर में हम इस मिक्सचर को ऐड करेंगे और अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे चॉकलेट चिप्स, मैं 1 cup यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कम यूज़ करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप कम यूज़ कर लें। यहाँ हमारा बैटर रेडी हो चुका है, ओवन को आप 10 to 15 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लें।
अब यहाँ हम बेकिंग ट्रे को प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें हमने प्लेस किया है पार्चमेंट पेपर और उसके बाद हम इसके अंदर आइसक्रीम स्कूप्स की हेल्प से कुकीज़ को प्लेस कर देंगे। इस कुकी बैटर से हमारी मीडियम साइज़ की 12 कुकीज़ इजीली बन जाएंगी। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बंटीज लगा रही हूँ इसकी टॉप पर, या आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगाएं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। मैंने 3 कुकीज़ पर बंटीज लगाई हैं और बाकी 3 पर मैं इसके ऊपर चॉकलेट लगाऊंगी। ये टोटली आपकी चॉइस है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको ऐसे भी बेक कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट कुकीज़ पसंद हैं तो ये 7 मिनट्स में बेक हो जाएंगी, और अगर आपको थोड़ी क्रिस्पी पसंद हैं तो ये मिनिमम 12 मिनट्स में अच्छे से बेक हो जाएंगी और बहुत मज़े की बनेंगी। चलें अब हम इसे बेक करते हैं। हमारी कुकीज़ ऑलमोस्ट डन हैं। चलें अब हम इसे निकालते हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही हैं। चलें अब हम इसे कूलिंग रैक पर रखते हैं। जब तक ये कुकीज़ कूल डाउन होती हैं तब तक हम अपना नेक्स्ट बैच बनाते हैं।
इन कुकीज़ के लिए भी हम सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और उसके बाद मैं इसके ऊपर बंटीज अप्लाई कर रही हूँ। बाकी तीन पर मैं चॉकलेट चिप अप्लाई करूँगी। चलें अब हम इसे भी बेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे तमाम कुकीज़ रेडी हो चुके हैं। अब हम इन कुकीज़ को भी कूलिंग रैक पर कूल कर लेंगे। मैं आपको इसका क्लोजअप भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितने मज़े की लग रही हैं। यहाँ हमारे सिग्नेचर ऑटमील चॉकलेट चिप कुकीज़ बिल्कुल रेडी हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपका जैसे दिल चाहे आप इसे खा सकते हैं। आप इसको मिल्क के साथ ले सकते हैं शाम की चाय में या जैसे आपकी चॉइस हो। If you guys enjoyed watching this video, then please subscribe to my channel and hit the notification bell icon so that you can never miss any update. If you guys have any queries, you can ask me in the comment section down below or you can ask me on my Instagram. Until next time, take a very good care of yourself. Allah Hafiz.